acting strange. He told Ellis that Fatima and the baby... What do you need me to do? I need you to talk to him. Its intentions aren't good. I need you to clear the house. बाबा क्या खिचड़ी पक रही है ये? देख के साफ लग रहा है कि जो हमने भविष्यवाणी करी थी वो सच होने जा रही है। लेकिन 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 अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया हूँ, जिसकी क्लियरिटी अभी हम सब चेक कर लेंगे कि एल्जिन से इंटरोगेशन के दौरान आंख कौन फोड़ने वाला है आखिर। और बाबा सेकंड स्नीक पीक क्लिप ड्रॉप हो चुकी है, जहां गर्मा गर्म तैयारी चल रही है एल्जिन को लपेटे में लेने की। तो अभी खुल के बात करने वाले हैं, लेकिन पहले ही बता दूं बाबा ये वीडियो बहुत स्पॉइलर कंटेन करती है, तो जिसे रुकना है वो रुक सकता है, वरना बाद में मुझे गाली मत दीजिएगा। सर्चिंग के दौरान एल्जिन ने एलिस से लेक साइड पर बोला था कि फातिमा और उसके बेबी एक पर्पस के लिए सेट हैं, जो हम सबको घर जाने में सहूलियत देकर जाएंगे। एंड एलिस ने अपने बाप बॉयड को भी बताया होगा, और वही चीज बॉयड सारा के साथ डिस्कस कर रहा है इस स्नीक पीक क्लिप वीडियो में, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, तो ज्वाइन कर लो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, और वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बाकी सारा को बॉयड इसलिए ले जा रहा है क्योंकि जो वॉइसेस सारा को सुनाई देती हैं वो किसी भी इंसान को रियल इंटेंशन जानने में उसकी हेल्प करती हैं। और यस, फातिमा से रिलेटेड वॉइसेस सारा को सुनाई दी थी, तो ये भी सेंस बनाता है सारा को ले जाने का एल्जिन से इंटरोगेशन करने का, जिससे ये पता लग पाए कि एक्चुअल में एल्जिन फातिमा के बारे में जानता क्या है, या फिर बॉयड को ये शक भी जा रहा है कि कहीं उसने ही तो नहीं छुपा रखा है फातिमा को, जो हम जानते हैं कि एल्जिन नहीं छुपा रखा है उस रूट सेलर बेसमेंट पर। क्योंकि एल्जिन के मुंह से ये फातिमा एंड उसकी प्रेगनेंसी एंड बेबी वाली बात निकलना ये एक बार के लिए सेंस बनाता है फातिमा के गायब होने से, और बॉयड चाहता है कि सारा उससे इंटरोगेट करे ताकि फातिमा का एक्चुअल पता लग पाए। जहां कॉलोनी हाउस में एलिस एंड कैनी ने एल्जिन को पहले ही पकड़कर छुपा के रखा है, और बॉयड डोना से कह भी रहा है कि कॉलोनी हाउस के अंदर ज्यादा लोग तो नहीं है, अगर हैं भी तो उनको सबको बाहर निकाला जाए। लेकिन बॉयड एक बंदी से डरता है, अकोस्टा द लेडी पुलिस, क्योंकि वो ये जानता है कि इस एक्टिविटी में अकोस्टा इंटरफेयर कर सकती है। तो बाबा ये सब इस स्नीक पीक क्लिप में चल रहा है, लेकिन कुछ सेट फुटेज भी लीक हुई हैं जिनकी मदद से एपिसोड 10 की स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो तय है कि एल्जिन की आंख फूटने वाली है, और इसके जरिए ही पता लगेगा कि फातिमा आखिर कहाँ है, यानी उसने कहाँ छुपाई है। हाँ ये भी है कि फातिमा तक पहुँचने में ये लोग लेट हो जाएंगे, और अभी तक मेरे सूत्रों से यही पता लग रहा था कि सारा एल्जिन की आंख फोड़ेगी। लेकिन बाबा अब मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखा जाए तो एलिस के पास भी वजह है एल्जिन की आंख फोड़ने का, क्योंकि आफ्टर ऑल फातिमा इज हिज वाइफ, वेरी स्ट्रांग एंड वैलिड रीजन। बट कुछ इन फुटेज की माने तो बाबा बॉयड काफी एक्साइटेड दिख रहा है, जो मे बी अपनी आर्मी टेक्निक के टॉर्चर के रास्ते अपनाना चाह रहा होगा एल्जिन से सच बाहर निकलवाने के लिए, जिसके हाथ में कील और पेचकस भी देखने को मिल रही है, और चेहरे पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि ये थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इस फोटो की माने तो बाबा बॉयड इसमें एब्सेंट है, इसका मतलब ये कि ऊपर बॉयड इंटरोगेशन कर रहा है लेकिन अपने अंदाज में, यानी थोड़ा हाथ पैरों का इस्तेमाल भी कर रहा होगा, और मे बी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी कर रहा होगा, जिसका सबूत इस फोटो से माने तो अकोस्टा एंड सारा का ये चौंकने वाला लुक ऊपर की तरफ देखना, जो शायद ऊपर की चीखने चिल्लाने की आवाज से हो रहा हो, तो भाई मे बी बॉयड एल्जिन की आंख फोड़ने वाला है बहुत ज्यादा गुस्से में। लेकिन बात अगर इस फोटो की माने, जहां अकोस्टा अराइव हो चुकी है कॉलोनी हाउस में, लेकिन सारा यहां एब्सेंट है, और ये सारा यहाँ एट फर्स्ट इंटरोगेशन कर रही होगी, लेकिन इस फोटो में सभी लोग भौचक्के होकर ऊपर देख रहे हैं, जो मे बी शक पैदा कर रहा है कि बाबा सारा ने गुस्से में एल्जिन की आंख फोड़ दी होगी, और उसकी चीखने की आवाज ही इन सभी को चौंका रही है और अचानक से सुनाई दी, जो ये ऊपर देख रहे हैं सारे लोग। भाई बहुत कंफ्यूजन है कि एक्चुअल कल्प्रिट होने कौन वाला है इन तीनों में से, सारा, बॉयड या फिर एलिस। देखते बाबा एपिसोड 10 में कहीं इन तीनों में से कोई ना हुआ और डोना निकल गई तब, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोना भी फातिमा से बहुत क्लोजली कनेक्ट है, और उसके गायब होने पर वो बहुत सैड भी थी और उन मेमोरीज को याद करके अफसोस जता रही थी जब फातिमा एक्चुअल में खुश थी, यानी उसका बर्थडे वाला मोमेंट था जब वो खुश थी सभी के साथ सेलिब्रेट करते हुए, वो वाला मोमेंट। देखते हैं एपिसोड 10 में फिलहाल आपको कौन लग रहा है। मैं अपना बताऊं भाई, मुझे अभी भी सारा ही लग रही है, आप लोग बताना कि इन तीनों में से कौन हो सकता है। दूसरा, एक मिस्ट्री और जो अनसॉल्व्ड भी है अभी तक। देखो फातिमा कहाँ है एट लास्ट हम सबको पता लग जाएगा, यानी सभी को, बॉयड वगैरह सबको पता लग जाएगा एल्जिन के मदद से कि वो रूट सेलर बेस पर है। लेकिन सारा को जो वॉइसेस सुनाई दी थी, जहां पर सारा से ये बोला गया था कि फातिमा को तुम नहीं बचा पाओगे, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्या ये सच होगा फातिमा मरेगी या नहीं? देखो मेकर 4 सीजन प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उन्हें सॉलिड स्टार्ट देना पड़ेगा 4 सीजन के लिए। मे भी फातिमा मर सकती है, और जिम तो मरेगा ही मरेगा, ये तो तय है। तो भाई ये एंडिंग अगर सॉलिड होने वाली है, और अगर सॉलिड हो जाएगी, जहां एक्चुअल में ऑडियंस के पास एक नई वजह होगी
होगी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने की, जो न्यू एंगल देखना चाहेंगे इस फ्रॉम्बिले टाउन की कहानी का कि अब क्या होगा इनके मरने के बाद। जहां फर्स्ट सीजन की बात माने तो एंडिंग में हमें फादर खात्री मरता हुआ दिखा था, और सीजन टू की स्टार्टिंग पर वो बहुत ज़बरदस्त बूस्टर दे के गया था। और यहां दो मेन कैरेक्टर मरने वाले हैं जिनकी मौत अगर मेकर ने ज़बरदस्त डिजाइन कर रखी है तो गूज़बम्प्स मोमेंट वो डिलीवर कर जाएगा ही जाएगा, और सभी लोगों की शिकायतों को भी दूर कर सकता है। बाकी अभी के लिए लगाते हैं विराम। आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेट फोटोज और आई हैं एपिसोड 10 के लिए, जहां जिम, जेड एंड टैबिथा इस टाउन की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उन बॉटल ट्री की पर्चियों से और वो साइन की मदद से। इसी के साथ साथ वो अपना याददाश्त वापस लाने का टास्क भी चल सकता है। इसी के साथ विक्टर भी कुछ क्लू ढूंढते नजर आ रहा है, तो उनके ऊपर भी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाएगा कि एपिसोड 10 में आखिर होने क्या वाला है और आखिर हमें मिलने क्या क्या वाला है। तो भाई यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।